गाड़ी के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं होती है। जैसे एक ही गाड़ी है उसको घर के और लोग भी चला सकते हैं और वो स्पेशल पर्सन, तो हैंडीकैप मतलब कि जिसके एक लेग नहीं है वो भी चला सकता है, दोनों लेग नहीं है जिसके वो भी चला सकता है, जिसके एक लेग नहीं है वो भी कार चला सकता है और जिसके दोनों लेग नहीं है वो भी कार चला सकता है। और ऐसी बात नहीं है नई या पुरानी, कोई भी कार के अंदर जो है आप ये किट लगवा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर मुजीब खान जी का, जिनको राष्ट्रपति सम्मान भी मिला हुआ है और उसके अलावा इनको ढेर सारे सम्मान अवार्ड भी मिले हुए हैं। और इन्होंने जो है 91 से काम शुरू किया था क्योंकि ये खुद पोलियो से ग्रसित थे और इनका एक राइट हैंड लेग काम नहीं करता है, उसके बावजूद भी इन्होंने अपने लिए कार चलाई है और उसके बाद में इन्होंने पेटेंट करवाया है, ARI से सर्टिफाई करवाया है। इसके अलावा जो है सारे RTO और लीगल डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने के बाद में इन्होंने पब्लिक के लिए जो है अब गाड़ी को स्पेशल किट लगाना शुरू कर दिया है, जो कि कार मारुति से लेकर के BMW तक कोई भी हो सकती है। जैसे मान लो अगर उसके दोनों पैर में प्रॉब्लम होती है तो उसके हिसाब से क्लच ब्रेक एक्सीलेटर तीनों चीज आती है। जैसे गाड़ी कंपनी से भी आती है मेरे पास में और डायरेक्ट कस्टमर खुद भी लेके आता है। अगर कोई नई गाड़ी लेना चाहता है शोरूम से तो क्या रहता है उसे? वो लगभग 1 लाख रुपए का मिनिमम फायदा होगा। अच्छा, रिबेट भी मिलती है इसके अंदर अगर शोरूम से नई गाड़ी लेते हैं तो? 10% GST माइनस हो जाता है। ओके। और रोड टैक्स 100% माइनस हो जाता है और इंश्योरेंस में 50% हो जाता है प्रीमियम अमाउंट में। ओके। और फास्टैग उनका बनेगा फ्री वाला, ऑल इंडिया में कहीं भी जाइए जो फास्टैग में कॉल टोल नहीं लगेगा कहीं भी। सर मैं मुजीब खान और मैं ये 91 से बना रहा हूँ और अब तक इंडिया में मेरे से बेस्ट खूबसूरती के अंदर कोई भी किट नहीं बनाता है। और तो फ्रेंड्स देखिए आज हम कहाँ आ चुके हैं, MK मोटर्स मुजीब खान जी यहाँ पर जो है हैंडीकैम के लिए स्पेशली कार डिजाइन की जाती है, यानी कि उसके अंदर कुछ मॉडिफाई किया जाता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके साथ में चलते हैं अपन इस वर्कशॉप के अंदर और यहाँ पे आपको पता चलेगा किस तरह से गाड़ी डिजाइन की जाती है, किस तरह से मॉडिफिकेशन किए जाते हैं। महज यहाँ पर 25 से 40 हज़ार रुपये 3 कैटेगरी की प्राइस है जो कि सभी के लिए है, उन लोगों के लिए एक वरदान है या फिर उन लोगों के लिए एक एडवांटेज या फिर उन्हीं लोगों के लिए एक स्पेशली आविष्कार है जो कि उनके लिए एक वरदान साबित होगा। गाड़ी चला पाएंगे 4-व्हीलर, वो भी RTO से परमिट है और पेटेंट है जिनका डिजाइन और किसी भी गाड़ी में लग जाता है, महज एक दिन के अंदर आपको गाड़ी भी मिल जाती है। यहाँ पर सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, तो चलते हैं अपन वर्कशॉप के अंदर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है एक गाड़ी में काम चल रहा है, मैं आपको बताता हूँ, वो गाड़ी है न्यू गाड़ी है बिल्कुल और वैगनार कंपनी से आई हुई है, उसकी डिलीवरी बाद में होगी। पहले यहाँ पर उसके अंदर हैंडीकैम के लिए जो लगाई जाती हैं चीज़ें वहाँ पर जो है क्या क्या फ़र्क है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले चलते हैं, देखिए वैगनार गाड़ी है न्यू, इसकी न्यू गाड़ी है बिल्कुल कंपनी से आई हुई है, इसके अंदर सर काम कर रहे हैं, सर खुद ही काम करते हैं अपने ही हाथों से, बिल्कुल पेटेंट है उनका डिज़ाइन, किसी को नहीं देना चाहते और इतनी मेहनत, इतने मेहनती हैं और बिल्कुल ईमानदार। मेरे को ऐसे लोग जो है बहुत कम मिलते हैं देखने को जो खुद काम करके और खुद अपने हाथों से और रेडी करते हैं गाड़ी को। बिल्कुल मैं आपको बताने वाला हूँ, सर खुद काम कर रहे हैं, उनका इंटरव्यू भी लेंगे, ऑफिस भी चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए वैगनार न्यू गाड़ी है बिल्कुल और कंपनी से आई हुई है, देखो पॉलीथीन लगी हुई है गाड़ी के अंदर, बिल्कुल इसी के अंदर यहाँ पर काम चल रहा है। देखिए काम दिखाते हैं आपको, यहाँ पर दिखाते हैं काम, देखिए बिल्कुल गाड़ी बिल्कुल खुल चुकी है यहाँ पर और सर खुद काम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये गाड़ी का लीवर है, गियर लीवर है यहाँ पर और सर खुद अपने हाथ से यहाँ पर ब्रेक एक्सीलेटर का, इधर वाला ब्रेक और एक्सीलेटर का, हाँ एक ही लीवर में यहाँ पे लगेगा ब्रेक और एक्सीलेटर, और अगर किसी को नीड है तो क्लच लगता है उधर की साइड में, ठीक है, उसका भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल रहा है फुल गाड़ी के अंदर जो है इन्होंने एक किट बना करके उसके अंदर लगाई जाती है, किस तरह से सर खुद काम कर रहे हैं आपको देखने को मिल रहा है, खुद काम करते हैं। तो गाड़ी के उस वाले पार्ट से मैं दिखाने की चाहूँगा और आपको मैं गाड़ी की ड्राइविंग भी करके दिखाऊँगा और पूरी गाड़ी का मैं दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर देखिए पूरा वर्कशॉप दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए किस तरह से सर खुद काम कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर आपको पूरा वर्कशॉप दिखाना है, एक बार पूरा वर्कशॉप देख लीजिए, इनका खुद का है और पूरा वर्कशॉप आपको देखने को मिल रहा है और ये खुद कर रहे हैं यहाँ पर सारे काम, ये खुद ही करते हैं वेल्डिंग इसको करना जो भी करना है सारा काम सर खुद करते हैं अच्छे से। तो एक बार इधर से दिखाना, ठीक है, सर खुद काम कर रहे हैं जैसे भी होता है इनसे और बहुत अच्छे से करते हैं ये, और इनको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी से भी जो है सम्मान मिला हुआ है बिल्कुल, और उसके बावजूद भी ये खुद अपने हाथों से काम करते हैं। सबसे खास बात और सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी कि 91 से काम कर रहे हैं ये 1991 से और अभी तक अपने हाथों से खुद ने अपने आंखों से और अपने हाथों से बिजनेस को ग्रो किया है बिल्कुल और देखते हुए, और आज जो है इस काम को जो है करीबन 32 साल हो गए सर, 32 साल हो गए हैं इस काम को बिल्कुल, सर अच्छे से काम कर रहे हैं। वैगनार के अंदर किट लग रही है, अभी चलते हैं अपन गाड़ी के फंक्शन को समझते हैं किस तरह से है।
और एक नई रेडी गाड़ी है उसके अंदर जो सर की गाड़ी है वही दिखाता हूँ सबसे पहले। तो मैं इस गाड़ी में भी है क्या, उसी में है, ठीक है। 2007 मॉडल है, इन्होंने अपने लिए बना रखी है और आरटीओ से परमिशन ले रखी है। बहुत तेज बारिश आ रही है इसलिए वापस से अंदर आके शूट करना पड़ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए ये ओनर की गाड़ी है, स्कोडा ऑक्टिवा 2007 मॉडल है। इन्होंने इसमें अपने लिए किया था, 2007 से अपनी गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं। 1991 में इन्होंने काम शुरू किया था, ठीक है। गाड़ी के साथ कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन और वैसे ही है। नॉर्मल इंसान भी इसको वैसे ही चलाएगा जैसे स्पेशल पर्सन चलाता है। लेकिन अभी जो यहाँ पर एक लीवर लगाया हुआ है, ये एक्सीलेटर का है और ये ब्रेक का है। ये दो तरह से काम होता है यहाँ पर, एक तो दोनों चीज़ें लगती हैं और एक एक चीज़ लगती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है, तो इसको जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैं उस साइड जाता हूँ गाड़ी के और आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं आ चुका हूँ और वैगनार में काम चल रहा है। नई वैगनार कंपनी जाएगी, फिर जो भी बंदा नई गाड़ी लेना चाहता है वो मारुति सुजुकी, इनके पास में लिस्ट है, मैं बता दूंगा पेटेंट के अंदर और सर्टिफिकेट सब कुछ दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी से भी सम्मान मिला हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो है जो नई गाड़ी लेना चाहता है वो शोरूम पर भी बोल सकता है, इनका टाइप रहता है। तो ये अगर बोल देते हैं कि नई गाड़ी के साथ लगा के दूंगा तो ये गाड़ी शोरूम जाती है, फिर शोरूम पर से आप उस वहाँ पर TC नंबर पर गाड़ी आई हुई है वैगनार जो मैंने दिखा दी है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि ये गाड़ी में भी लगवा सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये लीवर है, बिल्कुल देखने को मिल रहा है अच्छे से, ठीक है। ये लीवर है, बिल्कुल बॉडी के अंदर फिट है, कहीं कहीं दिक्कत नहीं है कहीं पे। जैसे गियर का लीवर निकला हुआ है वैसे ये वाला लीवर निकला हुआ है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ है, ब्लैक कलर दिया गया है यहाँ पर। और ये जो है ओरन है बिल्कुल, और ये इस तरह से दबाएंगे अपन तो ये एक्सीलेटर लगता है, ऐसे दबाओगे एक्सीलेटर और इसको ऐसे करोगे तो ब्रेक लगेगा बिल्कुल, ठीक है। इसका मोमेंट कहाँ देखने को मिलेगा, वहाँ पे देखिए आप, बिल्कुल मैं जैसे आगे दबाऊंगा तो ब्रेक लग रहा है, ठीक है, और पीछे दबाऊंगा तो एक्सीलेटर लगता है। देखिए एक्सीलेटर का बटन जा रहा है, बिल्कुल एक्सीलेटर जा रहा है, ठीक है। ये आगे गया ब्रेक गया, बिल्कुल आगे गया ब्रेक गया, ठीक है। ये पीछे गया ये आगे गया, ठीक है। इस तरह से गाड़ी चलेगी। तो हैंडीकैप जिनका लेग है, देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगी कि मैं बता देता हूँ, जिसका राइट लेग काम नहीं करता है, ठीक है, यहाँ पर देखिए जिसका राइट लेग काम नहीं करता, इधर दिखाइए, मैं एक बार बैठ के सीट पे फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ एक बार, और आवाज़ प्रॉपर आ रही है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह से है, नॉर्मल इंसान अगर गाड़ी चलाता है तो बिल्कुल ऐसे ही चलाएगा जैसे अपन चलाते हैं, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी के अंदर। नॉर्मल इंसान भी इसको नॉर्मल चला, नॉर्मल गाड़ी भी है ये, और दोनों तरह से गाड़ी बन गई है, स्पेशल गाड़ी भी बन गई, नॉर्मल भी बन गई, ठीक है। नॉर्मल में जैसे अपन गाड़ी चलाते हैं वैसे चला सकते हैं इसको, और जैसे हैंडीकैप जिसका ये वाला लेग काम नहीं करता राइट हैंड साला, मान लीजिए राइट हैंड साइड वाला लेग काम नहीं कर रहा है जिसका, एक ही लेग काम करता है जिसके, या फिर एक लेग नहीं है जिसके, ठीक है, एक ही लेग काम करता है उसके, उसको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर एक्सीलेटर देना है, बस सिर्फ एक्सीलेटर देना ही हो, ये वाला लेग काम नहीं करना। और ये वाला काम करेगा ये वाला लीवर, इधर दिखाना, देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये वाला। तो ऐसे करूँगा तो मैं एक्सीलेटर, देखो नीचे करूँगा तो मेरा एक्सीलेटर जाएगा, बिल्कुल एक्सीलेटर जा रहा है, और अगर मैं ऊपर करूँगा तो ब्रेक जाएगा। जी ऊपर किया मैंने तो देखो ब्रेक, ये हाँ ब्रेक काम कर रहा है बिल्कुल, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो आदमी क्या है, एक लेग से तो क्लच दबा लेता है इस तरह से, और एक लेग से इसको काम कर लेता है और गाड़ी चलाता रहता है, और इससे गियर चेंज कर लेता है बिल्कुल। ऑटोमेटिक गाड़ी के अंदर भी आप करवा सकते हैं ये वाला काम। ऑटोमेटिक के अंदर क्या होता है कि क्लच नहीं होता है, तो वहाँ पर एक बेनिफिट हो जाता है ये ऑटोमेटिक गाड़ी वाले के लिए। अगर राइट लेग नहीं है, ठीक है, तो फिर आपको ये लगवाना पड़ेगा। दोनों लेग नहीं है ना, तो फिर भी आप गाड़ी चला सकते हो जिसके दोनों लेग नहीं है, ठीक है, वो गाड़ी के लिए ऑटोमेटिक के अंदर ये लगवाएगा सिर्फ, बाकी लेग नहीं होने चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली क्लच होता नहीं है उसके अंदर, सिर्फ ये लगेगा, पैर से यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं होगा, सिर्फ इसी से होगा। जब उसको ऑटोमेटिक गाड़ी के अंदर होता है क्या, एक्सीलेटर और ब्रेक होता है, तो ये एक्सीलेटर देगा और फिर ये ब्रेक दबाएगा और ये हॉर्न दबाएगा, बस इतना सा होता है। अब ये मैनुअल गाड़ी है तो इसके अंदर यहाँ से गियर भी लगाएगा और ये वाला करेंगे। अब दूसरी बात बताता हूँ, यहाँ वाला जो फंक्शन होता है वो किन के लिए होता है, जिसका ये वाला लेग काम करता हो और लेफ्ट वाला लेग काम नहीं करता हो। जैसे ये वाला लेग मैंने छुपा लिया, एक लेग है बस, समझ लीजिए एक ही लेग है, इधर दिखाओ इधर, ठीक है, एक ही लेग है बिल्कुल, ठीक है, जिसके और एक लेग नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ ब्रेक भी दबा पाएगा और ये एक्सीलेटर भी दे पाएगा और ब्रेक भी दबा पाएगा, लेकिन वो क्लच नहीं दबा पाएगा। तो क्लच के लिए यहाँ पे होता है एक, ठीक है, एक लीवर लगता है जो कि साइड में स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि गाड़ी अवेलेबल नहीं है तो मैं बताने वाला, नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ कुछ दिनों में, तो उसके अंदर मैं सब कुछ देने वाला हूँ। तो यहाँ पे रहता है, तो उससे क्या होता है, ये क्लच वाला फंक्शन काम करता है, जिसे वीडियो में आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये सिर्फ इससे काम कर लेगा, बाकी उससे काम कर लेगा। इस तरह से स्पेशल पर्सन भी जो है ये गाड़ी
चला सकता है कोई भी गाड़ी। एक्चुअली होता क्या है हमारे साथ में कि पैसा होता है, एक नौकरी कर रहे हो या फिर आपका बिजनेस है या फिर आप पैसा है अपने पास में और आपकी ख्वाहिश है कि मेरे पास भी गाड़ी होती तो मैं चलाता, व्हील चेयर पर ही नहीं रहना चाहता, मैं गाड़ी भी चलाना चाहता हूँ और मैं और लोगों की जैसे नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, पैसा है, परिवार है, सब कुछ है, तो गाड़ी खरीद भी सकते हो आप लेकिन चला नहीं सकते। तो उनके लिए जो जो मुजीब खान जी हैं, इन्होंने इन्वेंशन किया था 1991 में और इनको राष्ट्रपति जी से भी सम्मान मिला हुआ है। इन्होंने अपना जो ये आइडिया है इसको पेटेंट भी किया हुआ है। गाड़ी के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं होती है, एक बार वापस दिखाना यहाँ पर, गाड़ी के साथ में देखिए कोई छेड़छाड़ नहीं होती है, बिल्कुल एज इट इज गाड़ी होती है, सामने से देखने वाले को नॉर्मल गाड़ी भी चला सकते हो आप बिल्कुल। इस तरह से देखिए नॉर्मल है बिल्कुल सारे फंक्शन, ठीक है। इधर से ये लीवर है जो कि बॉडी के अंदर ही फिट कर दिया गया है बिल्कुल अंदर की साइड में, ठीक है। कहीं कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पता भी नहीं चलेगा किसी को भी कि गाड़ी के अंदर कुछ स्पेशल है। नॉर्मल घर के और जैसे एक ही गाड़ी है उसको घर के और लोग भी चला सकते हैं और वो स्पेशल पर्सन भी चला सकता है, एक ही गाड़ी को सारे लोग चला सकते हैं। अगर ये वाली गाड़ी कर ले तो हैंडीकैप मतलब कि जिसके एक लेग नहीं है वो भी चला सकता है, दोनों लेग नहीं है जिसके वो भी चला सकता है। उसके लिए मैंने बताया था एक ही लीवर लगेगा, एक यहाँ पे लीवर लगता है इसकी तरह से। इनका जो आविष्कार है, इन्वेंशन है, वो इनमें बहुत अहम भूमिका निभा रहा है उन लोगों के लिए। इनके पास में महीने की 20-30 गाड़ियाँ आती है, मतलब कि डेली एक दो गाड़ियाँ आती ही आती हैं और स्पेशली ये आउट ऑफ सिटी भी जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, दिल्ली जाते हैं ऑर्डर पे, वहाँ पे जैसे 4-5 गाड़ियाँ होगी तो एक साथ करके आते हैं, खुद अपने हाथों से काम कर रहे हैं। जैसा कि मैं इसका भी टेस्ट ड्राइव दिखाने वाला हूँ कि कैसे चलती है ये, और दूसरी चीज़ मैं बता देता हूँ, वो खुद अपने हाथों से काम कर रहे हैं। वैगनार के अंदर आपको देखने को मिल रही है, वैगनार रेडी हो रही है बिल्कुल, ये रेडी हो जाएगी तो मैं इसके अंदर बता दूंगा कि उन्होंने किट लगा दिया है कि नहीं लगाया है, बिल्कुल खुद अपने हाथों से काम कर रहे हैं और अपने हिसाब से पूरे दिन में एक गाड़ी रेडी कर देते हैं ये एक गाड़ी के लिए। और अभी देखिए टेस्ट ड्राइव चल रही है सर, बिल्कुल टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं गियर के अंदर, देखिए बिल्कुल गियर लगा लगा के इस तरह से, क्योंकि उनका भी जो है राइट हैंड लेग जो है बिल्कुल काम नहीं करता है, एक लेग ही काम करता है। और इन्होंने अपने लिए इन्वेंशन किया था, RTO से परमिशन ली थी और बिल्कुल ARAI से भी जो है इनका सर्टिफाई है, सब कुछ क्लियर है पेपर और बिल्कुल पेटेंट है। और ये जो है गाड़ी को फाइनल टच दे रहे हैं, इसके बाद में ये पैक करेंगे फिर मैं आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल, ठीक है। गियर टेस्टिंग हो गई सर, हाँ सारा कंप्लीट है, अब इसकी फिटिंग करनी है, फिटिंग करके जो कंप्लीट उसके बाद में आपको। अच्छा ओके, दो वक्त बोलेंगे। तो सर जो है कुछ बातें बोलने वाले हैं, वैगनार न्यू गाड़ी है बिल्कुल, तो जैसे नई गाड़ी का आप करते हैं तो क्या प्रोसेस रहता है नई गाड़ी का, ये बता पाएंगे? सर जैसे गाड़ी कंपनी से भी आती है मेरे पास में और डायरेक्ट कस्टमर खुद भी लेके आता है और उसको मैं उसी के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो अगर उसके दोनों पैर में प्रॉब्लम होती है तो उसके हिसाब से क्लच ब्रेक एक्सीलेटर तीनों चीज़ हाथ में होती है। और मान लीजिए अगर इसका एक पैर ठीक है, राइट वाला प्रॉब्लम है, लेफ्ट ओके है, तो क्लच पैर से यूज़ करता है और ब्रेक एक्सीलेटर हाथ में हो जाता है, और जिसके दोनों पैर नहीं है तो उसको क्लच ब्रेक भी तीनों चीज़ हाथ में आ जाती है। अच्छा, कुछ अपने बारे में बताइए, आपका नाम? सर मैं मुजीब खान और मैं ये 91 से बना रहा हूँ और अब तक इंडिया में मेरे से बेस्ट खूबसूरती के अंदर कोई भी किट नहीं बनाता है, ऑल इंडिया बनाते हैं लोग जुगाड़ करके, हाँ, लेकिन जो खूबसूरती से मेरा जो किट बनेगा। आपकी गाड़ी देखी है मैंने, बिल्कुल फिनिशिंग है और ये नई गाड़ी आई हुई है, इसके बारे में कुछ बताइए कैसे क्या? बिल्कुल शोरूम से नई गाड़ी, अभी नंबर भी नहीं आया, शोरूम वाले ने भेजी है, मैं तैयार करूंगा फिर यहाँ से कस्टमर को शोरूम से डिलीवरी मिलेगी। अच्छा, शोरूम से आपका टाइप है? हाँ बिल्कुल। उसका क्या, अगर कोई नई गाड़ी लेना चाहता है शोरूम से तो क्या रहता है उसका? सर ऐसा है कि हम उनको सारा डिटेल बताते हैं कि आप वहाँ पे शोरूम पे जाके उनसे मिल लीजिए और वो आपको पूरा प्रोसेस GST वगैरह या रोड टैक्स या उसमें इंश्योरेंस में जो रिबीट वगैरह मिलती है उसकी प्रोसेस भी वहाँ से करवाते हैं। रिबीट भी मिलती है इसके अंदर अगर शोरूम से नई गाड़ी लेते हैं तो? क्या उनको लगभग 1 लाख रुपये का मिनिमम फ़ायदा होगा और इंश्योरेंस जब भी करवाएंगे वो उनको 50% रिबीट प्रीमियम अमाउंट में हमेशा मिलता रहेगा। ओके, तो मतलब यहाँ पर बेनिफिट है उन लोगों के लिए जो स्पेशल पर्सन है, उनको नई गाड़ी लेने पर 1 लाख तक का बेनिफिट है प्लस री इंश्योरेंस पे भी आधा 50% का है। गाड़ी की कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग उसकी जैसे 1 लाख की जगह 1.25 लाख 1.5 लाख भी हो सकता है। ओके, क्योंकि वो उसका GST का जो परसेंटेज होता है वो उसकी कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग होता है। तो GST नहीं लगता मतलब? नहीं, 10% GST माइनस हो जाता है। ओके, और रोड टैक्स 100% माइनस हो जाता है और इंश्योरेंस में 50% हो जाता है प्रीमियम अमाउंट में। ओके, और फास्टैग उनका बनेगा फ्री वाला, ऑल इंडिया में कहीं भी जाइए जो फास्टैग में टोल नहीं लगेगा कहीं भी, ये होगा। तो मतलब बहुत बेनिफिट है उनके लिए गाड़ी। अच्छा, तो और कुछ बताइए? बस इसके लिए और मैं यही बताना चाहूँगा कि जो गाड़ी आप कहीं भी बनवाएं, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे पास बनाया या कोई भी बनाना चाहता है, जिसके पास में होता है कई बार कि YouTube पर सर्च करके देखें आप खुद प्रैक्टिकली कि कौन अच्छा बना रहा है और गाड़ी में बनाने को क्या काट पीट करके वेल्डिंग करके उसको सारा डिस्टर्ब कर देते हैं। तो गाड़ी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, गाड़ी में ओरिजिनलिटी जो एज इट इज रहनी चाहिए, दूसरा बंदा भी कोई चलाए तो उसको लेग रूम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और अदर जो सिस्टम बनाते हैं मेरे अलावा जो लोग, तो उसमें क्या होता है कि लेग रूम डिस्टर्ब हो जाता है,
उसमें रोड वोड लगा के और ऐसे और डिस्टर्ब हो जाता है वो, उसमें ब्रेक भी ये सब चीज़ें सब नज़र आता है, घुटने में टच होता है आम आदमी के घुटने टच हो जाते हैं। तो इस जो प्रोसेस आपका मैंने देखा है, इन्वेंशन जो देखा है, इसके अंदर नॉर्मल गाड़ी भी है ये, घर का नॉर्मल इंसान भी चला सकता है और स्पेशल नॉर्मल बंदा भी चला सकता है इसको, और जो हैंडीकैप पर्सन है वो भी चला सकता है। गाड़ी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती, उसमें कोई चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं कि अगर नॉर्मल चला रहा है तो उसको कुछ बदलना पड़ेगा या कोई लॉक हटाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो ड्राइवर चेंज हो जाए बैठो वो चला हो अपनी जगह। तो आप अपने बारे में, शोरूम के बारे में, वर्कशॉप के बारे में बताइए कि किस तरह से आप कस्टमर डील करते हैं, क्या प्रोसेस रहता है। सर मेरा ऑनलाइन भी मेरे कस्टमर आते हैं जो यूट्यूब पे देख करके, और ऑल इंडिया से मेरा कॉल आती है, और मैं जैसे यहाँ पे अगर मान लो वो कस्टमर नहीं आ पाता है तो मैं खुद बाई फ्लाइट जाता हूँ, उनके वहाँ पे जाके भी लगा के आता हूँ कस्टमर के। जी हाँ। कितना टाइम लगता है उसमें? सेम डे लगा के आते हैं, जैसे उसके कॉल पे बात कर लेते हैं कौन सी गाड़ी, उसके अकॉर्डिंग हम किट तैयार करते हैं, फिर वहाँ जाके वहाँ दो घंटे में फिट करके आ जाते हैं। दो घंटे में? ठीक है। तो चार्जेज एक्स्ट्रा रहते हैं वहाँ पे? जो आने जाने का टिकट वो खुद दे देते हैं, बाकी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। सर ने बहुत अच्छा और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और पैसे कोई ज़्यादा रीजनेबल नहीं है। पैसा एक बार बताइए आप किस तरह से? सर ऐसा है, जो और लोग जो लगा रहे हैं उससे मेरा रेट सबसे कम है। अच्छा। जैसे ऑटोमेटिक गाड़ी है तो उसका 30,000 है, और अगर मैनुअल गाड़ी है तो 40,000 है। इस पे 5% GST एक्स्ट्रा है। अच्छा। तो फंक्शन अगर कोई एक ही फंक्शन लगवाना चाहे तो? खाली एक ही फंक्शन, मान लीजिए अगर कोई क्लच ही लगवाना चाहता है तो 25,000, और अगर तीनों चीज लगाना है ब्रेक एक्सीलेटर और क्लच जिसके दोनों पैर प्रॉब्लम हो तो उसके लिए 40,000। और लाइफ टाइम गारंटी देते हैं हम किट की, कभी भी किट में कोई प्रॉब्लम होती तो ऑल इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है। अच्छा, आप अपने बारे में बताइए, कब से शुरू किया था, क्या कहानी है, कुछ सम्मान वगैरह मिला हुआ है? 2 साल की उम्र में पोलियो हो गया था, बुखार में इंजेक्शन लगा था, जब से बुखार में वो दोनों पैर खराब हो गए, तो एक पैर थोड़ा काम करता है, तो मैं उससे गाड़ी चलाने के लिए मैंने अपने क्या शुरू से शौक रहा कि भाई घर में गाड़ी चलाते थे, पापा चलाते थे, तो मुझे भी ये था कि मैं खुद भी कार चलाऊँ, लेकिन मैं कैसे चलाएँ, तो उसमें मैं अपने हिसाब से उसमें कुछ ना कुछ करता रहता था, तो लास्ट में फिर फाइनल ये हुआ कि मैं एक बार गाड़ी चलाने में सक्सेस हो गया, और बहुत कुछ चेंज हुआ। मैं 91 से बना रहा हूँ वैसे गाड़ी, लेकिन 2011 मेरा पेटेंट भी हो गया था, और 12 फरवरी 2007 को APJ अब्दुल कलाम साहब ने मुझे नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया, और इसी बेस से मुझे जो अवार्ड मिला वो इसी बेस से मिला हुआ है। और भी कोई अवार्ड मिले हुए? हाँ, उसके अलावा और भी है छोटे अवार्ड, जो राजस्थान पत्रिका के हैं, यूट्यूब पर जो और अपने इसके दैनिक भास्कर के हैं, तो बहुत सारे हैं वैसे छोटे मोटे, तो काफ़ी हैं। अच्छा, तो अब आपको कैसा लगता है, मतलब इतना सब कुछ, आपकी 32 साल की जर्नी हो गई है इस काम को, 1991 से लेकर के अब तक, शायद मेरा 1991 में तो जन्म है और आपको 32 साल हो गए इस काम में, तो कैसा लग रहा है इस सफ़र में, क्या क्या दिक्कतें आई हैं, और अब कैसा लगता है ज़िंदगी के बारे में? सर ज़िंदगी तो खैर बात बहुत सारी बातें हैं, बाकी मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि जो मैं काम करके पैसे लेता हूँ ना सर, पैसे आज लेता हूँ मैं कल ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो उन लोगों के जो दिल से जो दुआएं निकलती हैं ना, जब वो कार में बैठता है एक बार वो चलाता है, वो अपनी फैमिली के साथ लेके चलता है, तो जो उनकी दुआएं मिलती है दिल से, वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा, लोगों ने रिव्यू में फ़ोन किया आपको, मतलब? बिल्कुल सर, बिल्कुल फ़ोन, बहुत कॉल आती है, जैसे होली दिवाली पे त्यौहार पे मेरे पास इतने कॉल आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, और वो इतना धन्यवाद देते हैं, इतना वो रिस्पेक्ट करते हैं कि मेरे को आपने हमारे को पैर दे दिए और हम आज चला पा रहे हैं, अपना काम कर पा रहे हैं, सेल डिपेंड है आज, तो इससे बहुत सारा। देखो, ज़िंदगी में हर किसी को ऐसा मौका नहीं मिलता कि वो सबके लिए कुछ करे, लेकिन आपने जो आविष्कार किया ना, वाकई काबिले तारीफ़ है। मैं खुद भी नहीं आने की सोच रहा था, मतलब वैसे ही, लेकिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का मैंने देखा तो मैंने बोला शख्सियत है, कुछ तो मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो कितने चैलेंजेज आए, क्या मतलब दिक्कतें आईं, सफ़र कैसा रहा अब तक का, ये थोड़ा सा? चैलेंज तो बहुत कुछ आया, मैं जैसे अभी इसको ट्रेड सर्टिफिकेट लिया मैंने, उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, और ARI से नॉबचेक सर्टिफिकेट लिया, वहाँ से इसका ट्रेड जो टेस्टिंग रिपोर्ट वगैरह वहाँ से टेस्टिंग करवाई, उसके लिए भी मेरे को बहुत भाग दौड़ भी करना पड़ा, पैसा भी लगाया काफ़ी, जब जा करके ये सफलताएं मिली, और मैं चाहता हूँ कि मेरे जो भी भाई है जो गाड़ी लगवाना चाहते हैं बनाना चाहते हैं, उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो, उनको सब लीगल में सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट हो, उनको सब सुविधाएँ मिले, मेरा मेन मकसद यही है। तो अब ज़िंदगी के बारे में नज़रिया कुछ बताएंगे? अब सर मेरा तो यही है कि जब तक हैं अपन जो भाइयों की हेल्प करते रहेंगे, बाकी ऊपर वाले के हाथ है। अच्छा, तो मैं एक चीज़ पूछ रहा था कि आप खुद अपने हाथों से काम करते हो जी, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे कि कुछ 32 साल के सफ़र में आप अभी भी अपने हाथों से कर रहे हो, इतने इस मुकाम पे पहुंच कर भी? मैं सर मैं खुद हाथ से काम इसलिए करना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए लेबर काम कर रही है, लड़के भी उससे भी करवाता हूँ मैं, लड़के भी करते हैं, लेकिन जब काम वो करके देता है तो मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि कल को कुछ कमी नहीं रह जाए, क्योंकि कल को ब्रेक और एक्सीलेटर, ब्रेक एक ऐसी चीज़ है गाड़ी में जो कंट्रोल उसी से होती है गाड़ी, तो वो चीज़ में अगर कुछ कमी होगी तो ब्रेक नहीं लगेगा या कोई क्लच नहीं दबे या एक्सीलेटर नहीं हो, तो उस चीज़ को देखते हुए मैं खुद मेरे हाथ से देखता हूँ, और यहाँ तक कोशिश मैं करता हूँ कि 90% काम मेरे हाथ से करता हूँ मैं,
लेबर से ओनली 10% ही करवाता हूँ, जो मोटा मोटा काम मैकेनिकल, आयरन वाला जो बिल्कुल हाँ, तो बाकी टेक्निकल जो काम है टेक्निकल काम मैं पूरा करता हूँ, क्योंकि गाड़ी आजकल सब गाड़ियाँ सेंसर से आने लग गई, सब इलेक्ट्रॉनिक आने लग गई, तो उसमें कोई चीज़ डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी की वारंटी होती है, अगर कोई चीज़ डिस्टर्ब हो गई तो कंपनी गारंटी खत्म हो जाएगी, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए गाड़ी में मतलब कोई छेड़छाड़ नहीं हो, कोई वेल्डिंग नहीं हो, कोई गाड़ी में होल नहीं हो, एकदम ओरिजिनलिटी ऐसी की एजिटीज बनी रहे, और अपना किट ये लगाए रहे उसमें, ये एडिशनल होता है सब कुछ, इसका गाड़ी से कहीं लिंक नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक से कोई लिंक नहीं है, सारा मैनुअल होता है, और कभी लाइफ में ख़राब नहीं होता एक बार लगने के बाद। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि अब जो 1991 से लेकर के और 2022 का सफ़र, 32 साल का सफ़र हो चुका है, इसमें गाड़ियाँ बदली हैं और कई एडवांस गाड़ियाँ भी आई हैं, आजकल तो लेटेस्ट फीचर के साथ में ऐसी ऐसी गाड़ी आ गई, ऑटोमेटिक भी आ गई हैं, प्लस ऑटोमेटिक एडास भी आ गया है, बहुत कुछ आ गया है जो कि आजकल शायद इतना ध्यान भी नहीं देना पड़ना, रोड पे कैमरे आ गए 360, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप कैसे तो इनको ऑब्जर्व करते हो और टेक्नोलॉजी के साथ में कैसे आगे बढ़ते हो, ये थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे कि किस तरह से आप समझ के और आज भी 32 साल के बाद में भी आप गाड़ी को समझ करके और कैसे अपडेट होते हो और क्या एजुकेशन आपकी, कहाँ से प्रेरणा मिली, ये सब बताएंगे आप थोड़ा सा मेरे को। सर मैं प्रेरणा की बात तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि घर में कार थी तो पापा और भाई चलाता था, तो मुझे गाड़ी चलाने का बहुत शौक़ था कि हम कैसे चलाएं गाड़ी, कैसे चलाएं, मुझे गाड़ी उस शौक़ ने आज मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, और मैं उस शौक़ की वजह से ही ये गाड़ियों में ये काम करता हूँ, जो मुझे सक्सेसफुल जो हुआ हूँ, मैं अपने आप को एक गाड़ी में बना चलाते हुए लोग मुझे देखते हैं, लोगों ने देख करके मुझे ये कहा कि भाई आप गाड़ी कैसे चला रहे हो, तो मैंने कभी आज तक कोई ऐड नहीं किया, एक माउथ पब्लिसिटी, एक दूसरे ने देख करके मेरे से गाड़ी के आप हमें भी बनाइए, तो मैं हमने उनको बना के दी, मुझे जब ये काम स्टार्ट किया था या जो भी मैंने अपनी गाड़ी में लगाया था, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि ये मेरा एक बिज़नेस हो जाएगा, मैंने एक अपने लिए कार बनाई थी कि अपन गाड़ी चला सकते हैं, मुझे गाड़ी का शौक था चलाने का, और उसी शौक ने आज मुझे यहाँ तक पहुँचाया है बस। ओके, तो एजुकेशन और ये आज की टेक्नोलॉजी को कैसे समझते हो आप? सर एजुकेशन के बारे में तो मैं आपको बता दूं कि मैंने 9th करके छोड़ दी थी, क्योंकि गांव में इतना पहले कैरेज नहीं था, आज के 50 साल पहले पढ़ाई का इतना वो नहीं है, 45 साल हो मेरी एज हो गई लगभग 48, तो उस टाइम सरकारी स्कूल में 9th क्लास तक किया मैंने, उसके बाद मैं कपड़े की सिलाई का काम कुछ टाइम किया, फिर वो बंद हो गया, तो फिर मेरा नहीं हो, फिर मैंने अपनी गाड़ी में ये अपने लिए बनाया था, और बनाने के बाद में फिर मेरा टू व्हीलर का वर्कशॉप था जगतपुरा फाटक पे, तो मैं टू व्हीलर का काम करता था, मेरे छोटा भाई और हम दोनों साथ में मिल करके, तो उसी पीरियड में मैं ये मेरी गाड़ी का ये भी काम कर चलता रहता था, वो चलते चलते मैं आपको ये बताऊँगा कि जब मैंने गाड़ी बनाई और मैं रोड पे लेके चलता था, तो लोग मुझे देखते थे, पूछते थे आप कैसे चला रहे हो, उनको मतलब ये लगता था कि आप कैसे चला रहे हो, तो हाँ तो वो लोग अपने आप को ये समझते थे यार ऐसे कैसे चला रहे हो गाड़ी, तो मैंने कहा सर ऐसे से ये मैंने बनाई ऐसे लगाते हैं, तो उन लोगों जैसे बताता तो दूसरे लोग उससे मेरे से मतलब एक तरह से प्रमोट होते थे, एक्सपेंड होते थे कि हाँ यार अच्छी बात है, और उसके बाद ही मुझे धीरे धीरे लोगों ने देखा, जैसे मीडिया में भी मेरा कई कोई न्यूज़ चैनल ऐसा नहीं है जिसमें मेरी स्टोरी नहीं आई हो, कोई न्यूज़पेपर ऐसा नहीं है जिसमें स्टोरी नहीं आई हो, सारे लोग, तो उसी से मेरा ये एडवर्टाइजमेंट। अच्छा, टेक्नोलॉजी वाली गाड़ियाँ आ रही है अब, तो आपको दिक्कत होती है? नई नई गाड़ियाँ आ रही जा रही है, फिर भी किट में या आपको समझने में? सर जो यही कारण है कि मैं हाथ से काम करने का, क्योंकि लेबर इस चीज़ को नहीं समझ सकती कि मुझे पता है कि गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक आ रही है, सभी चीज़ें आजकल सेंसर आ रहे हैं, क्योंकि गाड़ी में कोई वायरिंग वगैरह कोई डिस्टर्ब नहीं हो ये किसी, इसीलिए मैं उसको खुद मेरे हाथों से खोलता हूँ, और उसी अकॉर्डिंग उसमें जो उसमें स्पेस के अकॉर्डिंग ही उस किट को तैयार करना पड़ता है। मेजरमेंट अलग अलग रहता है, हर गाड़ी का मेजरमेंट अलग होता है, उसी के अकॉर्डिंग किट बना के लगाते हैं कि गाड़ी में किसी तरह की कोई डिस्टर्ब नहीं हो, कोई उसका ओरिजिनलिटी पे फर्क नहीं पड़े, गाड़ी की इफेक्ट नहीं हो, गाड़ी का जो कंपनी का वारंटी वगैरह को डिस्टर्ब नहीं हो, गाड़ी में होल नहीं हो, कोई वेल्डिंग नहीं हो, तो वो सारी चीज़ें देखते हुए ही मैं उसको बना के लगाता हूँ। इसीलिए टाइम लगने का कारण ये होता है कि हर गाड़ी में अलग अलग होता है, हर गाड़ी के आजकल नए नए डिजाइन आ रहे हैं, हर 6 महीने में मॉडल चेंज हो जाता है, उसी का अकॉर्डिंग दोबारा बनाना पड़ता है। आप 9th क्लास पास करके और इतना बड़ा इन्वेंशन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से भी सम्मान लिया है और बहुत कुछ किया आपने, तो युवाओं के लिए तो प्रेरणा हो, लेकिन और कुछ कहना चाहते हो आप? सर यही कहना चाहूँगा कि अगर इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है, उसमें हाथ और पैरों का कोई रोल नहीं होता है, सारा काम दिमाग से होता है, और अगर दिल से दृढ़ निश्चय अगर आदमी ने सोच लिया कि मुझे ये करना है तो वो सफल जरूर होगा, ऐसी बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है। और RTO के बारे में बताइए कि किस तरह से, मतलब कोई लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, इसमें कोई दिक्कत? सर लाइसेंस में रजिस्ट्रेशन में किसी तरह की दिक्कत नहीं आती जब गाड़ी अडॉप्टेड के अंदर रजिस्टर्ड होती है, क्योंकि वो हमारे ट्रेड सर्टिफिकेट देते हैं उसकी बेस पे अडॉप्टेड होती है, अडॉप्टेड होने के बाद में उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी इजीली बन जाता है, और काफ़ी लोग इसीलिए से चला रहे हैं, और सब कुछ लीगल में सब कुछ ओके होता है, ऐसा। अच्छा, नहीं ड्राइविंग लाइसेंस अलग आता है इनका? हाँ बिल्कुल, दिखा पाएंगे आप मेरे को कुछ? हाँ,
मेरा लाइसेंस गाड़ी में है। ठीक है, मैं लाइसेंस भी दिखाता हूँ आपको। और आरसी में कुछ रहता है? हाँ बिल्कुल, उसमें आरसी भी दिखा देना भैया मेरे को, मेंशन होता है गाड़ी का। ठीक है, दोनों चीज़ मैं दिखा देता हूँ आपको। और कुछ? ये जो किट होता है वो आरसी के अंदर मेंशन होता है आरटीओ से कि भाई इस गाड़ी में किट लगा हुआ है और वो ही गाड़ी चला सकता है, और ड्राइवर जो अडॉप्टेड होता है, ये लाइसेंस है इसका और ये आरसी है। ठीक है, इसमें स्पेशल कहाँ लिखा हुआ है? ये देखो इसमें, ये ऊपर। ठीक है ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, ये लिखा हुआ है, देखिए इनवैलिड कैरिज लिखा हुआ है, बिल्कुल हैंडीकैप पर्सन के लिए, जो स्पेशल कैटेगरी के पर्सन होते हैं, दिख रहा है अच्छे से। ठीक है, और ये है अपना, ये डीएल है और ये आरसी है, और आरसी के अंदर भी जो है यहाँ पर लिखा हुआ है इनवैलिड कैरिज, बिल्कुल यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है, दोनों मेंशन है। और ये जयपुर आरटीओ से है बिल्कुल, तो सारा लीगल है, पेपर वर्क है बिल्कुल। आप अगर आपको लेनी है तो सर से कांटेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल, गूगल पे अगर जाओगे एमके मोटर्स स्पेशल हैंडीक्रैफ्ट कार ड्राइव, और यूट्यूब पे भी जाओगे हैंडीक्रैफ्ट कार ड्राइविंग एमके मोटर्स, बिल्कुल मिलेगा आपको। और बिल्कुल सब कुछ इनका है, और इंस्टाग्राम पे भी है, और इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं दे रहा हूँ, बिल्कुल आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा कोई रोल नहीं है इसमें, सिर्फ मैंने एक अच्छी चीज़ बताने की कोशिश करी यहाँ पर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। और थोड़ा सा मैं ड्राइविंग भी दिखा दूंगा सर की, मैं थोड़ी सी क्लिप भी डाल रहा हूँ, जो सर बैठ रहे हैं गाड़ी चला रहे हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। और बहुत से लोगों ने इसके बारे में इनको अप्रिशिएट किया है बिल्कुल, और थैंक यू भी बोलते हैं। पैसा तो लगता है लेकिन लोगों को हाथ पैर मिल जाते हैं, मतलब जिनके नहीं है वो अपने आप को ऐसा समझते हैं कि हम गाड़ी चला सकते हैं, तो गाड़ी पे काम हो रहा है तो शायद कंप्लीट हो जाती तो हम गाड़ी दिखा देते। सर जो है अभी वैगनार में काम कर रहे हैं और हम लोग इस गाड़ी को लेकर चल रहे हैं टेस्ट ड्राइव पे, और उनकी क्लिप मैं लगा दूंगा वीडियो की, और इनके जो सन है और वो अपन को गाड़ी चलाना दिखाएंगे एक बार कि लीवर के साथ में कैसे गाड़ी चलाई जाती है, तो सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो बैठते हैं गाड़ी में, ठीक है, इसके साथ चला लोगे ना आप? हाँ ठीक है, तो भैया जो है अपन को गाड़ी बताएंगे किस तरह से इसके साथ में ऑपरेट होती है, थोड़ा सा टेस्ट ड्राइव है, बाकी सर ही दिखाते हैं अपन को, लेकिन वो वैगनार उनको देनी है कंपनी की, और आज ही है क्योंकि टाइम जो है 6:30 बज गए और उनको 7 बजे तक गाड़ी देनी है, और वो विपुल मोटर जाएगी कंपनी के अंदर बिल्कुल। तो टाइम का थोड़ा सा मैं गलत टाइम पर आऊँ आज, नेक्स्ट वीडियो और आएगी जब मैं कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगा, और अभी मैं आपको ऑफिस भी दिखाऊँगा सर का, वीडियो बहुत लंबी होगी लेकिन एक अच्छी चीज़ है जो कि आप लोग देखेंगे और सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी गाड़ी को जो है ये भैया अभी नॉर्मल चला रहे हैं क्योंकि अपन लोग नॉर्मल लोग हैं, स्पेशल लोग जो जब चलाते हैं वो भी मैं कैटेगरी बता दूंगा किस तरह से चलाते हैं। ठीक है, तो इस ये जो गाड़ी बनी हुई है ये उन लोगों के लिए बनी हुई है जिसका राइट लेग काम नहीं करता है, यानी ब्रेक और एक्सीलेटर काम नहीं करते, तो ब्रेक और एक्सीलेटर इससे लगते हैं, क्लच का काम वो करते हैं। जिसके दोनों लेग काम नहीं करते उसका भी ऑप्शन है, जिसका एक लेग काम करता है उसका भी ऑप्शन है, सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं यहाँ पर। हाँ, तो भैया जो है अपना लेग जो है अंदर कर लिया उन्होंने, एक बार दिखाना, बिल्कुल एक लेग अंदर कर लिया, एक ही लेग काम कर रहा है। और ये देखो लीवर कौन सा पकड़ा हुआ है इन्होंने, ये एक्सीलेटर दे रहे हैं अभी, ठीक है, और ये ब्रेक लगा रहे हैं बिल्कुल, ठीक है, उनका एक लेग वहीं है, फिक्स है बिल्कुल, दिख रहा है मेरे को, देना एक बार, सही है। तो भैया का देखो एक लेग काम, एक लेग से यूज नहीं ले रहे हैं, देखो ब्रेक एक्सीलेटर फ्री है और एक ही लेग है, एक लेग भैया ने बैक कर रखा है और इससे काम कर रहे हैं। देखो ये एक बार ब्रेक लगाते हैं, एक बार ये एक्सीलेटर देते हैं, फिर देखो ब्रेक, ये एक्सीलेटर चल रहा है आगे पीछे, ये आगे ब्रेक लगेंगे, ठीक है, और लेग काम नहीं कर रहा है बिल्कुल, एक ही लेग से काम कर रहे हैं ये बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरह से हैंडीकैप पर्सन है जो आराम से चला सकता है, जैसा कि सर ने बोला दिमाग का काम है इसमें, हाथ पैरों का कोई काम नहीं है, यू टर्न ले लो बहुत है, ठीक है। थोड़ा सा टेस्ट ड्राइव लिया है कि प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा पाऊँ, और भैया जो है बिल्कुल इसी से चला रहे हैं, इनको प्रैक्टिस भी हो गई है। आप भी ट्रेनिंग देते हो? नहीं। हाँ, फिर प्रैक्टिस करिए आपने? हाथ से चलाने? हाँ, कभी कभी चला लेता हूँ। ओके, तो ठीक है, अपन को इतनी प्रैक्टिस होती नहीं है लेकिन फिर भी। और ये जो है ये बिल्कुल शूटिंग रेंज से थोड़ा सा आगे, जेएनयू और शूटिंग रेंज के बीच में, ठीक है, इनका यहीं पर है और एमके मोटर के नाम से है, इनका बोर्ड भी आएगा वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। हॉर्न, हाँ हॉर्न का भी था, हॉर्न कैसा था इसमें बताना, इसके अंदर लीवर, ये लीवर के अंदर ये जो है ये हॉर्न भी बजाता है यहाँ से, ठीक है बिल्कुल। और स्टीयरिंग तो उसमें रहता ही है, हाँ हाँ वो तो रही है। और भी वीडियोज मैं बना पाऊँगा अगर ये अच्छा वीडियो चलता है, तो एक वीडियो और लेके आते हैं कंप्लीट अपन, और ऑफिस का टूर करते हैं उसके बाद में निकलते हैं, ठीक है। ये आज एक मिनट रुको, हाँ ये बोर्ड है इनका एम बिल्कुल आपको देखने को मिला, एमके मोटर्स मोबाइल नंबर मुजीम खान जी, तो इनके मोबाइल नंबर मैं दे दूंगा और अपन चलते हैं इनके ऑफिस की साइड। तो ये बोर्ड लगा हुआ है इस तरह से रोड पे, आगे जेएनयू आता है और
पीछे जो है शूटिंग रेंज रह गया, ठीक है आगे चलते हैं। और इनकी जो है घर की लोकेशन कुछ इस तरह से है, घर पे और वर्कशॉप दोनों एक ही जगह है जी। इस तरह का वर्कशॉप है जो कि इन्होंने घर पे पूरे शेल्टर में बनाया हुआ है, प्रॉपर वर्कशॉप है। ऑफिस में चलते हैं और डॉक्यूमेंट देखते हैं क्योंकि वर्कशॉप दिखा दिया था, ठीक है। ये इनका ऑफिस है, ऑफिस के अंदर बिल्कुल इस तरह का ऑफिस है, पूरा प्रॉपर आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और इनका जो ये यहाँ पर जो इतने सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं सर को, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के साथ में, और यहाँ पर जो है काफ़ी ट्रॉफीज़ मिली हुई है पत्रिका से, दैनिक भास्कर से, इस तरह से बहुत कुछ मिला हुआ है। और इनको इस तरह से अलग अलग सम्मान मिले हुए हैं और बहुत सी संस्थाओं ने दिए हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा देखते हैं अपन और एक नया इन्वेंशन आपके सामने आता है। बहुत इधर भी है कुछ, बहुत सारे अवार्ड्स है जो कि हौसलों से मिली उड़ान इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल मैं जूम करके, क्योंकि काफ़ी ऊपर है तो मैं शायद अच्छे से दिखा पाऊँ, आपको देखने को मिल रहा है काफ़ी कुछ मिला हुआ है। तो ये प्रॉपर ऑफिस है। आप थोड़ा सा डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं, क्या रहता है भैया आप बताएंगे। सर अभी बिजी हैं वेगनार को रेडी करने में, तो अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये पेटेंट है सर, ये पेटेंट है इनके पास में, ठीक है। और ये ट्रेड सर्टिफिकेट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया, भारत सरकार की तरफ से है, बिल्कुल पेटेंट। 2000 कब किया हुआ था? 2010-11 में किया था ये। 2007 पेटेंट, अच्छा फाइल करने की तारीख है, बहुत टाइम में लगा, 2012 में मिला था। और ये इनके पास में स्टेट ट्रांसपोर्ट की ट्रेड सर्टिफिकेट है, बिल्कुल। और ARC अप्रूव्ड है, जहाँ पर इन गाड़ियों का इन्होंने अप्रूवल ले रखा है। स्विफ्ट, बलेनो, नेक्सा, वैगनार, सिलेरियो, एस्प्रेसो, इग्निस, नेक्सा, i10, टियागो, क्विड, इन सभी गाड़ियों का इन्होंने काम कर दिया है और ले चुका है इन्होंने। और एक कौन सा सर्टिफिकेट था? और भी काफ़ी सारी कार्स है जिसका कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छा कार और भी है, कोई सी भी गाड़ी का करा सकते हो और आपको बेनिफिट भी मिलता है, GST पे, इंश्योरेंस पे, बहुत कुछ है जो कि 1-1.5 लाख रुपये बच जाता है आपका। इसके अलावा एक सर्टिफिकेट और था कि कौन सा था, ये देते हैं इनकी तरफ से, देते हैं फ्रॉम MK मोटर्स, ठीक है। ये रेडी होने के बाद में, गाड़ी सीखने के बाद में ट्रेनिंग भी देते हैं, ये गाड़ी की, गाड़ी रेडी करने के बाद में ट्रेनिंग करते हैं, बिल्कुल गाड़ी प्रॉपर चलाना सिखाते हैं, उसके बाद में ये सर्टिफिकेट देते हैं। फिर आपको जो है RTO से जो DL मिल जाता है, जो कि मैंने DL दिखाया था आपको, ठीक है। और उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन भी RTO से इजीली कर देता है, NDKM गाड़ियों का भी। गाड़ी नॉर्मली रहती है, बस उसके अंदर ये इक्विपमेंट है या फिर इन्वेंशन है, स्पेशल किट, जो कि आपकी गाड़ी को बिल्कुल 2-in-1 बना देती है। नॉर्मल इंसान भी चला सकता है, स्पेशल इंसान भी चला सकता है। देखिए APJ अब्दुल कलाम जी के साथ में है और मुजीब खान जी, मोबाइल नंबर, आपको ये सब कुछ देखने को मिल रहा है, सब कुछ क्लियर है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, पेपर, डॉक्यूमेंट, सब कुछ। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हमने इस वीडियो में डिस्कस करी है। ये उनके सन है जो कि ऑफिस संभालते हैं, और पिताजी जो है काफ़ी बिजी रहते हैं, काम करते हैं, मेहनती हैं, खुद अपने हाथों से काम करते हैं और बहुत कुछ। और एक एम्पायर खड़ा किया हुआ है उन्होंने MK मोटर के नाम से, ठीक है। और दुआएं भी लेते हैं, बिल्कुल। तो मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे।